साथियों, मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि विश्व में जहां भी भारतीय है वे भारत से संपर्क में रहते हैं, भारत में क्या हो रहा है इसकी खबर रखते हैं, और कुछ लोग तो खबर ले भी लेते हैं। और भारत की प्रगति से, खासकर पिछले 5 साल की उपलब्धियों से विश्व भर में रहने वाले मेरे देशवासियों का माथा ऊंचा जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। उसका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है, और यही तो देश की ताकत होती है। साथियों, अपने विदेशी मित्रों से कह सकते हैं, देखो मैं भारतीय मूल का हूं, और मेरा भारत कैसी तेजी से कितना आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी भारतीय दुनिया में जब कहता है तो आज दुनिया उसको बहुत गौर से सुनती है। आपने थाईलैंड में भी अनुभव किया होगा। क्योंकि 130 करोड़ भारतीय आज न्यू इंडिया के निर्माण में लगे हुए हैं। आप में से अनेक साथी जो 5-7 साल पहले भारत गए हों, उनको अब वहां जाने पर सार्थक परिवर्तन स्पष्ट अनुभव होता होगा। आज जो परिवर्तन भारत में आ रहा है उसी का परिणाम है कि देश के लोगों ने फिर एक बार देशवासियों ने फिर एक बार मुझे, अपने इस सेवक को बीते लोकसभा चुनाव में पहले से भी अधिक आशीर्वाद दिया है। साथियों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम पूरे संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और दुनिया ये भी जानती भी है। लेकिन लोकतंत्र का महाकुंभ यानी चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव कैसे होता है, ये सही मायने में वही समझ सकता है जिसने इसे खुद अपनी आंखों से देखा हो। आप संभवतः जानते होंगे कि इस साल के आम चुनावों में इतिहास में सबसे ज्यादा 60 करोड़ मतदाताओं ने मत डाले हैं, वोट डाले हैं।
ये विश्व की लोकतंत्र के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार महिला मतदाताओं की संख्या यानी मतदान करने वाली महिलाएं अब पुरुषों के पीछे नहीं है, जितने पुरुष वोट करते हैं इतनी ही महिलाएं वोट कर रही है। इतना ही नहीं, इस बार पहले से कहीं ज्यादा महिला एमपीज लोकसभा में चुन करके आई है। आजादी के बाद सबसे बड़ा नंबर है इस बार। क्या आप ये भी जानते हैं कि लोकतंत्र के प्रति हमारा कमिटमेंट इतना गहरा है, और आपको जानकर के हैरानी होगी, गुजरात में गीर सोमनाथ, गीर के जंगलों में एक मतदाता रहता है, वहां एक जंगल में पहाड़ी में, उस एक मतदाता के लिए एक अलग पोलिंग बूथ बनाया जाता है। यानी हमारे लिए लोकतंत्र कितना बड़ा प्राथमिक है, कितना महत्वपूर्ण है, इसका यह उदाहरण है।